हेलो स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स की संस्कृत की द्वितीय तृतीय लेसन की पढ़ाई होने जा रही है। तृतीय लेसन में है, तृतीय पाठ में आदर्श बालक। आदर्श बालकों में सबसे पहले आप लोग जो हैं इसके जो वर्ड मीनिंग है उस पर विशेष ध्यान देंगे और इसको याद कर लेंगे। आदर्श माने होता है श्रेष्ठ नमूना, पूर्वम माने होता है पहले, शयनम माने निंद या सया, प्रणाम माने नमस्कार, निज माने अपने, स्नानागार माने नहाने का स्थान, कृत्या माने करके, वस्त्राणी माने कपड़ों को, अल्पाहार माने नाश्ता, गंतुम माने जाने के लिए, उत्थाय माने उठकर, मातुः माने माँ के, पितु माने पिता के, चरणयो दोनों पैरों में, भ्रमणाए घूमने के लिए, आगत्य आकर, दंत धावनम दातुन, स्वच्छाने साफ, तैल मर्दनम तेल की मालिश, आदाय लेकर, किंचित कुछ, कलह लड़ाई झगड़ा, सम्मिलित शामिल होना, उद्यत तैयार, चिरम देर, त्यज या त्यजति दोनों का मीनिंग होता है छोड़ता है। गम माने गम या गच्छते जाता है, धी धारय धारयति पहनता है, खाद खादति खाता है, आगच्छ आगच्छति आता है, भास भासते बोलता है, अध्यापय अध्यापयते पढ़ाता है, स्मृति स्मरन्ति याद करता है, क्री करोति करता है, प्रक्षाल प्रक्षालयति धोता है, पीब पीवति पीता है, भू भवति होता है, प्रणाम प्रणमति प्रणाम करता है, वद वदति बोलता है, पठ पठते पढ़ता है। इस प्रकार से इसका जो है यह शब्दों का अर्थ था। अब कहानी है आपका आदर्श बालक। आदर्श बालक सदा सूर्योदयात पूर्व शय्याम त्यजति। आदर्श बालक हमेशा सूर्योदय के पहले बिछावन को छोड़ते हैं। शयनात् उत्थाये मातु पितु च चरणयो प्रणामं करोति। वह बिछावन से उठते ही अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। तदा स प्रातः काले भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। इसके बाद वह टहलने के लिए बगीचे में जाते हैं। तत्र उद्याने निज मित्रे सक्रीडति व्यायाम च करोति। वहाँ बगीचे में अपने मित्रों के साथ व्यायाम करते हैं। तदा उद्यानात् गृहम् आगत्य स्नानाय स्नानागारं गच्छति। तब बगीचे से घर आकर स्नान करने के लिए स्नान घर में जाते हैं। स्नान
स्नानात पूर्व दंत धावनम करोति। स्नान करने के पहले दातुन करते हैं, दातुन से दांत को धोते हैं। शीतलेना जलेना नेत्रे मुखम च प्रक्षालयति। ठंडे जल से अपने मुख और नेत्रों को धोते हैं। शरीरे तैल मर्दनम करोति। अपने शरीर में तेल को मालिश करते हैं। उसके स्नानम कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयति। और इसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। आदर्श बालक स्नानम कृत्वा अल्पाहारम करोति। आदर्श बालक स्नान करने के बाद जलपान करते हैं, दुग्धम पीवते दूध पीते हैं, फलानी च खादति और फल भी खाते हैं। तदा स पुस्तकानि आदाय विद्यालयम गंतु उद्यत भवति। तब वह अपने पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं। स प्रतिदिनम समयात किंचित पूर्वमेव विद्यालयम आगच्छति। वह प्रतिदिन समय के अनुसार समय से पहले ही विद्यालय आ जाते हैं। कदापि चीरम न करोति। वह कभी देर नहीं करते हैं। स अध्यापकान् प्रणमति। वहाँ वह शिक्षकों को प्रणाम करते हैं। स पाठी भी स मधुरम भासते सदा सत्यम वदति। वह मधुर भाषा में सदा सत्य बोलते हैं। केनापि सह कलहम न करोति। वह कभी आपस में कलह नहीं करते हैं। यदा अध्यापक कक्षायाम अध्यापयति तदा सह ध्यानेन पुस्तकम पठति पाठम च स्मरति। वह जब अध्यापक कक्षा में अध्याय को पढ़ाते हैं तो वह ध्यान से पुस्तकों पढ़ते हैं तथा उस पाठ को याद भी करते हैं। स गृह कार्यम प्रतिदिनम करोति। वह घर का जो कार्य मिलता है वह प्रतिदिन करते हैं। विद्यालयस्य सर्वेषु क्रीडाधिकारीयेषु सम्मिलित भवति। विद्यालय के सभी सांस्कृतिक कार्य में खेलकूद में वह हमेशा सम्मिलित होते हैं। आदर्श बालक सर्वेषां प्रियं भवति। आदर्श बालक जो होते हैं सभी को प्रिय होते हैं। इति शुभम। धन्यवाद।